जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन मधुबनी जिला के जयनगर के जानकी देवी गौरी शंकर सराफ इंटर महिला कॉलेज में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरिधर सराफ एवं मंच संचालन जगदीश यादव ने किया। कार्यक्रम में शुरुआत में आए हुए सभी अतिथियों को पाग, दुपट्टा और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने छात्र छात्राओं व शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच मतदाता जागरूकता से संबंधित विशेष जानकारी दी। उन्होंने सभी से लोकतांत्रिक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यार्थियों से यह भी अपील की गई कि वे इन कार्यक्रमों में जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसे अपने तक सीमित न रखकर अपने अभिभावकों और आस पड़ोस के मतदाताओं को भी दें। वोट करने से लोकतंत्र को मजबूती प्रदान होती है, इसलिए हर मतदाता को मतदान कर भारत को और मजबूत बनाना चाहिए। इस मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार, बीडीओ राजीव रंजन, बीओ पूनम राजीव, शिक्षक हरिहर महरा सहित अन्य मौजूद थे। जयनगर ब्लॉक हो गया,
ज्यादा दलिया हो गया, बासोपट्टी हो गया, खजौली का कुछ पार्ट हो गया, और इसके बाद झंझारपुर हो गया, फुलग्रास हो गया, और मंडल का पार्ट है वो पड़ता है झंझारपुर लोकसभा, इसका नंबर भी होता है लोकसभा का भी नंबर होता है, झंझारपुर का जो लोकसभा का नंबर है क्षेत्र का वो 7 से 6 और मधुबनी लोकसभा का जो नंबर है वो 6, तो अभी झंझारपुर का तीसरा नंबर है। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।